राम राम दोस्तों। तो शाम के 8 बज रहे हैं और मैं रात का खाना बना रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की ग्रेवी में और पनीर। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है और टमाटर काट लिए हैं, लहसुन प्याज हरी मिर्ची अदरक और पनीर। पनीर अभी काटा नहीं है, इसकी भी कटिंग करती हूँ, इसको भी काट लेती हूँ तब दिखाती हूँ आपको। और हरा धनिया और हमारे मंगूराम मंगूराम का मिक्स मसाला। ओके मैं जा रही हूँ। और ये देखिए तेल मेरा गरम हो गया है तो मैं ये डालती हूँ जीरा। ठीक है, तेल की मात्रा अच्छी लेनी है। मात्रा अच्छी क्या लेनी है, 1 चमचा तेल लिया है मैंने, ये देखिए। और ये थोड़ा सा फैल गया है ना, इसलिए ज़्यादा लग रहा है। और ये लहसुन प्याज में डाल देती हूँ इसमें। अब ये लहसुन प्याज पक जाएगा जब, इसे अदरक भी डाल देती हूँ साथ में, पक जाएगी। अदरक भी डाल देती हूँ साथ में, पक जाएगी। हो जाएगी प्याज तब मैं मिर्ची डालूँगी। तो मेरी अभी लहसुन प्याज सब पक रही है, तब तक मैं पनीर काट लेती हूँ। और पनीर फ्रिज में रखी थी तो काफ़ी सख्त है। लिए मुझे बनाने थे छेना, और मैंने आज छेना नहीं बनाया क्योंकि आज मैं थक गई थी और दूसरे कामों में लगी हुई थी और मेरा मूड बदल गया। फिर मैंने सोचा मैं बनाती हूँ नान और पनीर की सब्जी। तो लहसुन प्याज मेरी पक गई है और नान और पनीर की सब्जी बनाती हूँ मैं, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी है। और नान दोपहर में खाना बनाया था, चावल बनाए थे मैंने और सब्जियाँ बनाई थी दो, एक बनाई थी मैंने वन करेली और एक धनिया की रसेदार सब्जी बनाई थी और चावल बनाया था। तो भूख लगी है बहुत जोर से, तो खाना जल्दी से रेडी करो क्योंकि सभी लोग भूखे हैं और कह रहे हैं जल्दी खाना बनाओ। तो खाना बन रहा है भाई, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, भूख को पकड़ के बैठे रहो सब लोग, भूख तो मुझे भी लगी है। तो क्या बताओ दोस्तों, ये YouTube के चक्कर में 24 घंटा बोल बोल के मुझे हंसी आ रही थी, मैं पागल ना हो जाऊं। तो इस खाना के वीडियो बनाने के चक्कर में और गैया की वीडियो बनाने के चक्कर में अब मुझे लग रहा है मुझे इतना बोलना पड़ता है, तो अब लगता है मेरा दिमाग जो है एकदम पंचर हो जाता है और मुझे लगता है मैं सच में कहीं पागल ना हो जाऊँ यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल के। तो आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़े और मेरी प्याज जो है ना कलर आ गया है। और बस आप लोग सोच रहे हो कि आखिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। मेरे अंदर एनर्जी आ रही है भगवान के मंदिर में भोलेनाथ की सेवा करने से, और गैया मैया जो आ रही है ना उनकी सेवा करने से। आप लोग भी करके देखिए, बहुत संतोष मिलेगा आपको, बहुत ही सुख शांति मिलेगी। मुझे तो बहुत सारा संतोष मिला है, इतना संतोष मिला, अथाह संतोष मिला है। संसार का जो किसी के पास नहीं वो मेरे पास है। तो मेरी प्याज पक गई है और मैं इसमें मिर्ची डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मिर्ची डाल देती हूँ। मिर्ची कड़ू कम आ रही है इसलिए मिर्ची बहुत सारी डालती हूँ मैं। लाल मिर्ची का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती हूँ, जो मसाले में थोड़ी बहुत होएगी बस वही जाएगी। और मैं ज़्यादातर कोई भी आइटम मेरा बनता है ना, मेरी आधा किलो पावर मिर्ची जो है मेरे घर में ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। मैं लाल मिर्ची बिल्कुल प्रयोग, जैसे कि रायता वगैरह बनाऊँगा तो उसमें, और ये दाल अगर छौंकना हो तो तोड़ के कलर के लिए थोड़ा डेकोरेट के लिए डालते हैं, वैसे मैं कोई लाल मिर्ची का प्रयोग बहुत कम करती हूँ। और आप लोग भी मत करिए क्योंकि लाल मिर्ची हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है और पेट खराब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाती है। तो थोड़ा सा क्या है, इतना ज़्यादा बोलूँगी तो जीभ ऐसे ऐसे हो जाती है ना। तो हमारी मिर्ची और टमाटर और प्याज लहसुन सब पक गया, अदरक अदरक। अब मैं जो टमाटर जो आजकल बेचारा बहुत महंगा हो गया है, 200 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन अब नीचे आ गया है तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा टमाटर आ रहा है अब मेरे घर में। जब 200 रुपये किलो हो गया था तो बस बेचारा एक टमाटर आता था, एक नहीं आते थे, दो चार आ जाते थे, तो उसको मैं एक एक करके चलाती थी, धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा तो फिर घर में आतंक मचेगा, टमाटर ख़त्म हो गए। टमाटर नहीं ख़त्म होना चाहिए, उसको सजा के रख लो, टमाटर नहीं ख़त्म होना चाहिए, उसको खाने की पूजा करो टमाटर की। अब तो खूब ज़्यादा आ रहा है, अब तो हो गया है 40 रुपये किलो हो गया है। तो मैंने खूब सारा डाल रही हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं टमाटर डाल देती हूँ अब। ठीक है, सारा टमाटर डालती हूँ। अब इसको आराम से इसमें पकेगा और जब ये पक जाएगा अच्छे से पक जाएगा, एकदम पका जाएगा, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने
डाल देती हूँ और इसमें ये मंगूराम डाल देती हूँ। मंगूराम ये नंगूराम। अच्छा एक बात बताऊँ, इस नाम से मुझे एक चीज याद आ रही है, ये मंगूराम नाम या इसमें जो डाला गया है किसी व्यक्ति का, तो पक्का वो मंगता रहा होगा। बहुत मांगता रहा होगा संसार में, मांग मांग के उसने अपनी जिंदगी काटी होगी, इसीलिए इस मसाले का नाम मंगूराम रखा गया है। चल तेरा भी भला हो, तुझे भी मैं फेमस कर देती हूँ। चल डाल देती हूँ मंगूराम। आजा मंगूराम, ए मंगूराम। चलो पड़ गए मसाले, अब मैं इसको ढक देती हूँ और ये पकेगा अच्छे से आराम से। जब ये पक जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं इसको ढक देती हूँ तब ये अच्छे से पक जाएगा, तब फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तब इसके अंदर अच्छे से जब पक जाएगा तब मैं दिखाती हूँ। तो टमाटर हमारे पक गए हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया लजीज सब्जी बन रही है। और गर्मी तो पूछिए नहीं। क्या हाल है? और बस ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये पनीर डाल देते हैं। तो रसे वाली नहीं है ये सूखी सब्जी है, ग्रेवी वाली। तो अब ये इसी में जो टमाटर का जो ग्रेवी है ना, इसी में लुटर पुटर हो जाएगी। अब ये लुटर पुटर हो जाएगी तब ये अच्छी लगेगी खाने में। इसका टमाटर का जितना जूस है ना ये पनीर पी लेगा। हाँ तो अब मैं थोड़ा इसमें मिल्क मिला देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, है ना। तो ये और भी हेल्दी और भी टेस्टी बनेगी। और इसमें थोड़ा मलाई डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा मलाई और दूध मिला देते हैं तो सब्जी का बिल्कुल मस्त सब्जी बन जाएगी, है ना। ये देखिए अब ये अच्छे से पक जाएगी। अब ये अच्छे से पक जाती तब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये थोड़ी देर और पक जाए उसके बाद जो है इसमें हरा धनिया डालेंगे। देखें हमारी सब्जी पक गई है, क्या कह रही है, और सब्जी हमारी पक गई है। और हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं, है ना। सब्जी हमारी बिल्कुल पूरी तरह से पक चुकी है और बहुत टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती है। क्या जल गई। और मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ और सब्जी हमारी पक चुकी है। लीजिए लजीज पनीर की सब्जी तैयार है, और खाइए और बताइए कैसी बनी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब नान, जो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, और मुझे लगी है भूख बहुत ज़ोर से। तो अब मैं गैस को ऑफ करती हूँ और सब्जी को बंद करती हूँ। राम राम।